हे गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम भले चंगे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल में रियल लाइफ विद सपना, और मैं सपना आप सभी का वेलकम करती हूँ। सो गाइज, यहाँ पे ये हमारा ड्रीम हाउस। तो यहाँ पे किस चीज़ का सेलिब्रेशन हो रहा है, तो मैंने छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ मैंने सोचा चलो शेयर करती हूँ कि इतनी बड़ी खुशी आज हमारे घर में हो रही है। सो गाइस, ये मैं बाहर से दिखा रही हूँ आप लोगों को अपना घर, मेरे सपनों का घर, माय ड्रीम हाउस। तो ये आज बहुत प्यारा लग रहा है क्योंकि काफ़ी सजा धजा सा मतलब है, नीचे सजा हुआ है गाइस, क्योंकि पार्टी नीचे ही हो रही है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा घर। तो कभी मुझे मौका नहीं मिला मुझे दिखाने का। ये मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ गाइस, और ये हमारी देवरानी जी का घर है, और यहाँ पे खाना वगैरह बन रहा है। तो देख सकते हैं आप लोग, यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी खाना, और पार्टी और खाना ना हो तो पार्टी का मज़ा मतलब ये हो जाता है, दुगना हो जाता है, और खाना अगर बहुत ही अच्छा हो तो। तो ये देख सकते हैं पुलाव, रायता, मटर पनीर, शाही पनीर, चटनी, ये रसगुल्ले, और ये है गुलाब जामुन मेरा फेवरेट, और ये मेरे हब्बे जी, इधर हमारे देवर जी है, और ये मेरा नीचे पार्किंग एरिया, ऊपर से देखिए जेठ जी हेलो 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 कह रहे हैं, हमारे जेठ जी है जो कि पोर्ट ब्लेयर में रहते हैं। और यहाँ पे ये घर के बाहर स्टॉल वगैरह खाने वगैरह का लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ पे खाना वगैरह का यहीं पे अरेंजमेंट किया गया है, और नीचे जो पार्किंग है वहाँ पे सेलिब्रेशन होगा। तो आप लोग देखिए, ये हमारा घर है। तो यहाँ पे ये डोर है हमारे घर का, और मेन डोर ये है गाइस, ये है पार्किंग। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मतलब मेरी जो जेठानी जी है उनका आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो मैं आप लोगों के साथ मतलब वीडियो शेयर करूंगी, क्योंकि काफ़ी मतलब बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन किया जा रहा है, क्योंकि उनकी मतलब 25वीं शादी की सालगिरह है, और वो यहाँ नहीं रहती, वो पुणे में रहती है, लेकिन एनिवर्सरी के लिए स्पेशली आई हैं, क्योंकि सारे फैमिली के लोग यहीं पे रहते हैं। और देखिए मैं तैयार हो गई हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। और ये मैंने देखिए क्या पहना है, मैंने इस कलर का लहंगा पहना है ये, और ये देखिए मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। और मैंने मतलब ये मैंने आर्टिफिशियल पहना है, ये मैंने गोल्ड वाली पहन ली है, और बस मैंने ऐसे सिंपल ही मैं तैयार हो गई हूँ। और मैं कैसी लग रही, घर काफ़ी अस्त व्यस्त सा लग रहा है, क्योंकि मतलब कि तैयारी वार हुए हैं सब लोग, घर के लोग, और मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अभी नीचे केक वगैरह कट होगा, और एकदम फुल प्रोसेस से जयमाला वगैरह सब कुछ होगा, तो मैं सबको दिखा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और थोड़ी आवाज़ वगैरह बहुत आ रही थी, तो यहाँ पे अभी थोड़ा शोर हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी देर आप लोग से बात कर लेती हूँ, उसके बाद मैं वॉइस ओवर ही कर दूंगी, क्योंकि बोलने में तो बिल्कुल भी बनेगा नहीं। और ये जरूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ, ये जरूर बताइएगा। ये मेरा लहंगा मेरे हस्बैंड ने खरीदा है, और ये ब्लू है नीचे, और ये इस टाइप का है, तो मैं इसको ना फूल दिखाती हूँ आप लोगों को। सो गाइस, मैंने ये ब्लू और रानी कलर का लहंगा पहना हुआ है, और ये हमारे हब्बी जी ने लाया था हमारे लिए, बस इस पार्टी के लिए स्पेशली हमने मतलब खरीदा था, क्योंकि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लहंगा वगैरह, तो मेरे हब्बी जी ने ये लेके आया था। और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो मैं तैयार व्यार हो गई थी, तो ज़्यादा मेकअप वगैरह मैंने नहीं किया था, बट मैंने लिपस्टिक वगैरह जो बेसिक मेकअप होता वही मैंने किया था, ज़्यादा मैं मेकअप नहीं करती हूँ, बट लिपस्टिक। और यहाँ पे मैं देख लीजिए मैं आ चुकी हूँ, मैं नीचे आ गई थी, तो यहाँ पे स्टार्टर वगैरह जो होता है चाउमीन वगैरह वो सभी लोग खा रहे थे, तो लगे हाथ मैंने सोचा चलो मैं भी टेस्ट कर ही लेती हूँ, तो मैं सभी लोग खा रहे थे। और यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी जी बैठी हुई हैं फिरोजी कलर के साड़ी में, बीच में मम्मी है, यहाँ पे हमारी देवरानी जी की मम्मी है, और यहाँ पे कुछ लोग आ चुके थे, मतलब ये पार्टी स्टार्ट नहीं हुई थी, और कुछ लोग लेकिन आ चुके थे, तो स्टार्टर वगैरह चल रहा था। यहाँ पे देखिए हमारे हब्बी जी और खड़े थे, यहाँ पे देखिए जेठ जी भी आ गए हैं वहाँ पे, और यहाँ पे उन्हीं की पार्टी हो रही है, आप लोगों को पता चल ही गया है। और यहाँ पे देखिए डांस वगैरह हो रहा है,
बाद यहाँ पे देखिए वरमाला वगैरह की तैयारियाँ हो रही है, तो मैं और देवरानी जी है, बच्चे वगैरह है, तो मैंने क्या किया है कि मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है वीडियो को, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी गाइज, और आप लोग देखिएगा नहीं, इंजॉय भी नहीं कर पाइएगा, तो मैंने बस छोटी छोटी वीडियो आज आपके साथ शेयर की है, बाकी की वीडियो मैं कल शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, तब तक आप लोग इंजॉय कीजिए वीडियो को, और कल वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला, बहुत ही ग्रैंड पार्टी होने वाली है। और यहाँ पे देखिए जो हमारी जेठानी जी है वो आ चुकी है, और आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, तब तक लिए बाय बाय।